आप सभी को हैप्पी लोहड़ी एंड मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि अभी सर ने आप लोगों को बताया कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक क्लॉज ऐड किया गया है कि 10 डेज बैगलेस पीरियड, यानी 10 दिन बच्चों को बिना बैग के। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन टीचर्स के मन में आता है वो ये आता है कि इन 10 दिनों में बच्चों से कराया क्या जाएगा, बिना बैग के बच्चों को क्या कराएंगे, है ना। और साथ ही साथ ये भी आता है कि इन 10 बैगलेस डेज को रखा क्यों गया, इसका क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन। तो आज इसी से रिलेटेड जो गाइडलाइन है वो PSS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल द्वारा स्ट्रक्चर की गई, और इसमें ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड किए गए हैं, और उन्हीं से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं इन पॉइंट्स पर हम। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं कुछ, इनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले NEP 2020 में 10 बैगलेस डेज है क्या, देन उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इन 10 दिनों में क्या क्या करवाया जा सकता है बच्चों को, देन कुछ भी करवाने से पहले उसकी प्लानिंग नीडेड होती है, वही प्लानिंग की बात यहाँ की गई है कि एनुअली कैसे प्लान किया जाएगा उसको, देन इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन वाला मेन पार्ट, देन उसमें क्या क्या रिसोर्सेज नीडेड होंगे और टाइम एलोकेशन, कितना टाइम एक्टिविटीज के लिए या किसी चीज के लिए ऑक्यूपाई करना है उसके बारे में, देन हमारा एजुकेशन का मेन पार्ट असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन जो कि हर प्रोसेस का एक रिजल्ट बताता है हमको, उसके बारे में बात करेंगे, देन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे स्पेशल चाइल्ड, उसमें कुछ जो ऑक्यूपेशन है यूजली क्या होता है, हमने देखा है कि पेरेंट्स के थ्रू उन ऑक्यूपेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। हम किसी भी क्लास में अगर रैंडमली जाते हैं एज ए टीचर और बच्चों से पूछते हैं कि आपका एम क्या है, तो बच्चे हमें क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोई निकल के आएगा तो डॉक्टर निकल के आएगा, इंजीनियर निकल के आएगा, तो बस आएगा या फिर IAS जो भी टॉप पर है, है ना, यही होता है यूजली। तो और बाकी इतनी सारी ऑक्यूपेशन है, और स्पेशली जब सोशल मीडिया की बात की जाती है तो हमारे सामने एम्पल ऑक्यूपेशन हाईलाइटेड होते हैं। तो वही चीज इसमें कही गई है कि जितने भी अदर ऑक्यूपेशन है उनको नीलेक्ट नहीं किया जाए, उनके बारे में ओवरव्यू दिया जाए। तो वही बात NEP में फोकस की गई है, मतलब बच्चे का जो एक्चुअल पोटेंशियल है उसको निग्लेक्ट करके उसके ऊपर फोर्सफुली कुछ डाला जाए। सो सबसे पहले NEP में कहा गया है, NEP सजेस्ट करती है NEP 2020 कि बच्चे को खेल खेल में सीखने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्टिविटीज स्कूल में कराई जाए इन 10 दिनों में, और उन एक्टिविटीज के थ्रू जितने भी अदर ऑक्यूपेशन है, बहुत सारे ऑक्यूपेशन है, उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाए, ठीक है, जिससे उनमें क्या होगा, सबसे पहले तो एक्टिविटी के नाम पर उसको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, बैग बर्डन रिड्यूस, दैट मींस बच्चे को ये नहीं लगेगा कि अरे कल स्कूल जाना है तो सबसे पहले बैग लगाना है, जिसमें पेरेंट्स भी कहते रहते हैं हम लोग की बैग लगा लो, कल स्कूल जाना है, अर्ली मॉर्निंग जाना है, जल्दी बैग लगा लो, इट हैपेंस। सो वही चीज कहेंगे कि रिड्यूस बैग बर्डन होगा, देन स्ट्रेस फ्री, कल मॉक टेस्ट नहीं होना है, कल कोई कॉपी चेक नहीं होना है, ये सब कुछ बच्चों को एक ईज दे दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक्टिविटी बेस्ड होगा, तो बहुत सारे बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है, हर बच्चा एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है, यूनिक पर्सनैलिटी रखता है, उसको ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो भी इन एक्टिविटीज के थ्रू क्या है, उभर के आती है, उसको मौका मिलता है। कई बच्चे हमने देखा इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपनी बात ही नहीं कह पाते, तो वही चीज है कि कुछ एक्टिविटीज के थ्रू वो इंटरेक्ट होता है बच्चा और अपना थोड़ा सा ओपन होता है। साथ ही साथ जैसे मैंने एक वीडियो में शो किया, अपनी एक जरूरत है, सिर्फ अगर सारी सोसाइटी में सिर्फ डॉक्टर ही डॉक्टर होंगे तो काम चल जाएगा, ऐसे ही सिर्फ इंजीनियर इंजीनियर होंगे तो भी काम नहीं चलेगा, हमको एक प्लम्बर भी उतना ही जरूरी है जितना डॉक्टर जरूरी, वो फीलिंग उसके अंदर एक क्रिएट की जाए। तो एक्टिविटीज के थ्रू ये बात की गई है, देन
ताकि ऐसा नहीं लगे कि ये मुझे पढ़ाई से इंटरेक्ट करके कुछ और करा दिया गया। उसी में से सब्जेक्ट्स में से हमको मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। यहाँ तक आपको पैटर्न है आइडिया तो हो गया होगा कि हमें किस तरह से चलनी है। इसमें छोटी सी ये बताना चाहूँगा कि ये गाइडलाइन है ना कि रूल्स है। तो जो भी क्राइटेरिया बताया गया है क्वालिटिया लेवल पे स्टैंडर्ड बनाकर हमने मिनिमम बनाया है कि मिनिमम इतना तो हो जाना चाहिए। बाकी टीचर के ऊपर है, बच्चे के ऊपर है, कितना ऊपर जाना चाहें कर सकते हैं, कोई लेवल नहीं है। और यहाँ से हम बात करेंगे कुछ सजेस्टिव एक्टिविटीज़ की। दीज आर ओनली सजेस्टिव एक्टिविटीज़, मतलब ये एक्टिविटीज किस तरह से बनाई जानी चाहिए। इससे जैसे बात करी थी हमने कि इक्वल एक्टिविटी करानी है, तो जैसे हम क्लास में लेसन प्लान तैयार करते हैं, हमको एक्टिविटी करानी है, कुछ तो प्लानिंग करनी होगी कि क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे। तो उसके लिए एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल हम लोगों ने बनाया है, वो भी सजेस्टिव एक्टिविटीज़ है। ये सजेस्टिव एक्टिविटीज़ आपकी इसमें एक हेडलाइन है जो मैं आपको पढ़ देता हूँ कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन टीचर में आइडेंटिफाई various various place activities as per local situation for understanding the objective of the program। मतलब ये हर स्कूल के हिसाब से, हर सिटी के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से वेरी करेगी। आपको जो भी डायरेक्टिव होगा वो आपको बता रहा है कि आप किस तरह से एक्टिविटीज़ करानी है, आपको प्रिंसिपल सर आपको गाइड कर देंगे, उस हिसाब से आप एक्टिविटी चूज कर सकते हैं। जैसे हम अपने सिलेबस से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जो 10-20 एक्टिविटी हम गाइडलाइन में दे दी है आपको यही करानी है, आप बिल्कुल फ्री है, इनमें से कोई भी ना करा है। बट हमने कोशिश करी है कि जो क्राइटेरिया एक ओवरऑल हो सकता है उसमें से जो बेस्ट हर स्कूल करा सकता है, उनको हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। तो उनमें से किस टाइप की एक्टिविटीज हो सकती हैं, वो हो सकती है कि विजिट टू नेशनल म्यूजियम, साइंस पार्क, स्पोर्ट स्टेडियम, ये तो कॉमन होते हैं, हर जगह करा सकते हैं। जैसे हैंडीक्राफ्ट, जूट मेकिंग वगैरह, उसको हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि 6 से 8 का बच्चा हिंदी में उसको कहते हैं जा लेना, मतलब जाएगा करके देखा, करके देखेगा उसको समझ तो आएगा, टच तो फील होगा। तो हम फूड मेकिंग में उसे करा सकते हैं, बंबू मेकिंग में क्राफ्ट बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, इवन पोर्टलिंग का भी इसमें दिया है। वो मटका बनाकर देखा फील तो करेगा गीली मिट्टी कैसे महसूस होती है, इससे उसके अंदर का इंटरेस्ट पैदा होगा। एजुकेशनल गेम्स, स्पोर्ट्स, हाइजीन एंड क्लिनलीनेस, विजिट टू हॉस्पिटल, इंटरेक्ट विद वेरियस हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर, ये हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर काम करते कैसे, उसी क्या सिचुएशन होती है, उनको किस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है और उसमें किस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि हम तो इतना बाहर से देखते हैं डॉक्टर से मिलते हैं थोड़ी देर के लिए, और डॉक्टर को मतलब डॉक्टर क्या करता है, किस तरह सपोर्ट करता है, सिर्फ दवाइयाँ नहीं देता है डॉक्टर। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपसे कहता है कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल चीज़ है, आधा आपका बीमारी तो वहीं ठीक हो जाती है, आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो इस तरह से मतलब उस प्रोफेशन में क्या होता है, नर्स वगैरह से मिलना है तो मतलब कैसे काम करते हैं, नर्स फेस्टिवल एक्टिविटीज़, एनवायरमेंट ग्रीटिंग एक्टिविटीज, ग्रीनिंग एक्टिविटीज, म्यूजिक एंड कल्चर एक्टिविटीज, एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स, इंटरेक्शन विद लोकल क्राफ्टमैन आर्टिस्ट। यहाँ पे वो आ जाएगा पोल्ट्री वाला कि अगर उसको किसी कुम्हार के पास ले जाते हैं, उससे मिलता है, बात करता है, तो वो कैसे बनाता है उसको, क्योंकि नेशनल ये सिर्फ देख कर आना है उसको, वो उनका काम भी करेगा। तो जो एक सवाल आता है 10 दिन में वो कितना कर पाएगा, तो 10 दिन में उसको सिर्फ जायजा लेना है, उसको सीखना नहीं है कोई भी स्किल। और प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज जो कि स्कूल डिसाइड करेगा, एनिमेशन है, काइट मेकिंग है, सेक्टर वाइज एक्टिविटीज, जैसे कि जब जॉब रोल जो आते हैं उसके सेक्टर से जाते हैं स्कूल में, तो अगर स्कूल चाहे कि जो 9th to 12 जो सेक्टर में चला रहा है वो सेक्टर भी एरिया बेस्ड डिसाइड हो जाए, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आपका स्कूल डिसाइड करेगा, कम्युनिटी बेस्ड डिसाइड हो जाएगी किस एरिया में किस जॉब रोल की किस सेक्टर में ज़्यादा काम करने की जरूरत है, ज़्यादा मोटिवेशन देने की जरूरत है, ज़्यादा इंस्पिरेशन। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में मूर्तिकारों का बड़ा अच्छा काम होता है, लेकिन वहाँ के लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है मूर्ति बनाने में, तो हमारी एक कोशिश रहेगी कि बच्चों को हम बताएं क्योंकि मूर्तियाँ बनती कैसे हैं, उनके अंदर एक पता तो चले वो काम कैसे होता है, कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो मिले, रुचि तो पैदा हो, फ्यूचर में उसको क्या करना है, उसकी जो हो सकता हो वो बहुत बड़ा मर्चेंट बन जाए मूर्तियों का। जो आर्ट एक लोकल एरिया में लिमिटेड है, अगर वो उसको पहचान जाए, आज पूरे वर्ल्ड में आर्ट्स की पहचान हो रही है, हम उनको बेच पा रहे हैं, हो सकता है उसमें अपना करियर बना ले, बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। क्योंकि एक बाहर से व्यक्ति आएगा वो उतनी अच्छी USP पे उस प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएगा, वो USP नहीं बता पाएगा, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है उस प्रोडक्ट की, वो व्यक्ति बाहर का उतना नहीं बता पाएगा जो बचपन से उसमें पला बढ़ा है उसको देख रहा है। अब यहाँ से हम एक एग्जाम्पल एक्टिविटी लेंगे कि एग्जाम्पल एक्टिविटी फील्ड ट्रिप वर्ल्ड वॉचिंग। तो एक मोटा मोटा हम एक एक्टिविटी को किस तरह से डिजाइन करेंगे कि हमको करने में भी आसान हो, बच्चों को भी एडजस्ट करना पड़े, उसमें क्या क्या देखना पड़ेगा,
तो हम तो सबसे पहले सोचे कि नाम डिसाइड कर लेंगे कि हमको कहाँ जाना है, उसके साथ से ही आसान चीज़ है। उसके बाद एक्टिविटी टाइप क्या रहेगा, आउटडोर रहेगा इनडोर रहेगा, इसको डिसाइड करने से हमें उसके रिसोर्सेज के बारे में आइडिया हो जाए किस तरह की रिसोर्स लगेगी। टाइम ड्यूरेशन, ये टाइम ड्यूरेशन जो लिखा है 4 आवर्स और जो अकेडमिक्स के आपको 16 आवर्स का बताया गया है, ये मिनिमम डाले गया है। मिनिमम इसमें आपको कम से 3-4 घंटे तो देंगे, तब तो जाके वो फील्ड कर पा रहा है, 1 घंटे में कर पाया नहीं कर पाया, क्योंकि आप कितने बच्चों को ले जा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगी। हो सकता है अगर आपकी क्लास में कम बच्चे हैं तो हो सकता है ये टाइम रिड्यूस भी हो सकता है, एक्टिविटी वाइज टाइम रिड्यूस भी हो सकता है। अब स्किल टू भी डेवलप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बच्चे को किसी प्रोजेक्ट पर ले जा रहे हैं तो हम उसके अंदर कौन सी स्किल डेवलप कराना चाहते हैं, तो जैसे कि अब फील्ड ट्रिप बर्ड वॉचिंग पे जा रहा है तो ऑब्जर्वेशन स्किल, तो वहाँ पर जाके पक्षियों को देखना, पक्षी तो हमने ढेर सारे देखे हैं, एक होता है देखना और एक होता है ऑब्जर्व करना, दोनों में मामूली सा अंतर यही है, जब आप देखते हैं तो आपको सब एक सा दिखता है। नंबर डालिए, ठीक है, आप अपना नाम डालिए और नंबर डालिए, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। मानदीप सिंह आ गए, क्वेश्चन आएगा आपके पास स्क्रीन में, कलर्स आप जो भी आपको लगे इसमें आप क्लिक कीजिए, आपके पास आप इनके साथ बैठ गए फोर्थ नेशनल वाला है।
एक ही सही है मेरा, एक सही है। आपको 21 को नहीं एग्जाम देना पड़ेगा, चारों सही थे, वो लोग करेक्ट लिख रहे आ गए। ये भी वही है, उसमें भी चांसेस हम लोग बोले ये वो लोग में सब होगा ये मेरा भी सही है तुम्हारा नाम टीम में जा रहा है सर, सही है। ऑप्शन होते नहीं है, सही स्टूडेंट सेंटर ये भी बहुत है। सेकेंड तो फूड है। हमारा मेन था 100% करें, कभी तो हमने कहा था 67% हम बैठे पे हैं। हमारा जो सेकंड है उसको हम और डिटेल में जाएंगे तो और चीजें पता लग जाएंगी, कौन सा हमारा डिफरेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो इसको 100% लाने के लिए तो दोबारा खेल सकते हैं। ईयर साथ में जुड़ जाता है सर, बस ईयर छोड़ा गया है तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद होगा, फायदेमंद इन द सेंस कि उनको अपना करियर बनाने में इसमें जरूर मदद मिलेगी। तो आज के इस छोटे से ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से डॉक्टर सौरभ प्रकाश, मिस्टर सुरेंद्र कुमार और मिसेस सुजन कौशल का धन्यवाद करती हूँ।
और उम्मीद करती हूँ कि आपने जो अभी 67 की बात कही और 100% है, तो हमारे टीचर तो सच में 100% है, क्योंकि अब हमारा जो लीडर जो है वो मोर देन 100 है, तो हम बिल्कुल मान के चलते हैं कि हम आपको ये 100% करके दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।